हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बादाम के शरबत की रेसिपी, जो कि इन गर्मियों में आपकी सारी थकावट दूर करने वाला है। बहुत ही इजीली हम घर में बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते बन जाती है। बादाम के शरबत जो बाहर से आते हैं बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है 2 ग्लास दूध। ये मैंने गाय का दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। 8 से 10 बादाम जो रात भर भिजाई थी और मैंने इसका छिलका निकाल लिया। चीनी 2 चम्मच, कस्टर्ड पाउडर और ये मगज के बीज, इसे भी मैंने धोकर भिजा के रखे हैं। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। ये मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड मिला लेंगे पानी में, दूध में सॉरी। तो ये 1 चम्मच दूध लिया है, इसमें हम ये कस्टर्ड डाल देते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म दूध में डालेंगे तो इसमें लम्स हो जाते हैं, इसीलिए इसे अलग से ही मिक्स करके दूध में डाल देना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने कस्टर्ड डाल लिया है और ये बादाम हम पीस लेंगे। बादाम और मगज के बीज दोनों को एक छोटे से जार में हो तो आपके पास तो उसमें पीस लीजिए। तो ये यहाँ पर दूध गर्म होने वाला है, अब हम इसमें एक कस्टर्ड डाल देते हैं ताकि ये साथ में पक जाए। दूध के साथ में उस कस्टर्ड का पकना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बादाम और ये पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। इसमें चीनी डाल देते हैं, जो 2 चम्मच करीब ली थी चीनी हमने। सबको स्टेयर करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो नीचे जमने का डर रहता है। बस इसे एक बॉयल आने तक ही हम उबालेंगे। ये एक बॉयल आ गया है, ये 1 से 2 बॉईल आने के बाद में हम इसे बंद कर देंगे। तो देखिए कितने झटपट से बन गया हमारा बादाम का शेक। और इसे ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया है, ये सर्व कर रहे हैं। सर्व करने के लिए आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं, या फिर आप गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे है। बहुत ही हेल्दी रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक। बच्चों को अगर आप सुबह नाश्ते में वो ढंग से नहीं खाकर जाते हैं तो आप ये बादाम का दूध दे दीजिए, उन्हें सारे दिन एनर्जी बनी रहेगी। उसे उसके ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम काट के रखे हैं छोटे छोटे, ये भी जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे हमने इसे गार्निश कर दिया है। तो तैयार है हमारा बादाम का शेक। तो आप भी ज़रूर बनाएं ये बादाम का शेक इन गर्मियों में, बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत ही एनर्जेटिक। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।